हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है सेवैया। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर उसके बगल में बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, मैंने सेवैया बनाने के लिए क्या क्या लिया है। आधा कटोरी सेवई ली है, बादाम ली है और कुछ इलायची को कूट के रखा हुआ है। यहाँ काजू लिया है, किशमिश लिया है और यहाँ पे आधा स्वाद के अनुसार चीनी लिया है। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध को पहले से ही गैस में उबलने के लिए रख दिया था। मैंने गैस पे कढ़ाई बैठाई हुई है और इसमें थोड़ी सी घी डालेंगे। मैंने घी डाल दिया है और घी गर्म हो गया, इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। मैंने बादाम को छोड़ के काजू और किशमिश को फ्राई कर लिया है, ये देखिए। देखिए मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसी पे ही सेवैया डालेंगे। देखिए मैंने सेवई डाल दी है और इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, लगभग 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। ज़्यादा भूनने से जल जाएगी और इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। देखिए हमारी सेवैया लाइट ब्राउन हो गई, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। और इसमें दूध ऐड करेंगे, दूध थोड़ा ध्यान से ऐड करेंगे नहीं तो दूध फट जाएगा। देखिए मैंने आवश्यकता अनुसार दूध ऐड कर लिया है और इसको ऐसे चलाते रहना है। मैंने यहाँ पे इलायची कूट के रखी हुई थी, इसको इसमें डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी ही लगती है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। और इसको चलाएंगे ऐसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक, इसको ऐसे चलाएंगे जब तक कि सेवैया हमारी पक ना जाए। देखिए हमारी सेवैया कैसे उबल रही है। और इसमें चीनी, आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालिए। मैंने यहाँ पे 3 छोटे चम्मच चीनी डाले हुए हैं और इसको चारों तरफ से ऐसे मिला देना है। देखिए हमारी सेवैया बन गई है। इसके ऊपर थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं बाद में डालने के लिए रखूँगी। देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं और गैस बंद करके सर्विंग प्लेट पे निकालती है। देखिए फ्रेंड, हमारी सेवैया बनके तैयार हो गई है। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और कैसी बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। थैंक यू।